हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग होमोफोन्स के विषय में अध्ययन करेंगे। होमोफोन्स ऐसे शब्द जिनका उच्चारण, जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि एक समान होती है, लेकिन उनका अर्थ, उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। ऐसे शब्दों के विषय में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। दीवार स्विच आर सिमिलर इन साउंड, ऐसे शब्द जो इनका उच्चारण, जिनका साउंड, जिसकी ध्वनि एक समान होती है, बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उनके स्पेलिंग में, उनके अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को आर कॉल्ड होमोफोन्स, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कहे जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर है 162 स्टेयर, एस टी ए आई आर स्टेयर, सीढ़ी, नुपुर वाल सीटिंग ऑन दी बॉटम स्टेयर, नुपुर वाल सीटिंग ऑन दी बॉटम स्टेयर, नुपुर सीढ़ी के निचले तली पर बैठा हुआ था, यानी निचले पायदान पर बैठा हुआ था, नुपुर वाल सीटिंग ऑन दी बॉटम स्टेयर, नुपुर सीढ़ी के निचले पायदान पर बैठा हुआ था। अगला है स्टेयर, एस टी ए आर ई, एस टी ए आर ई का मतलब स्टेयर, मतलब एक टक देखना, एस टी ए आर ई स्टेयर, एक टक देखना, सी स्टेयर्ड एट मी, सी स्टेयर्ड एट मी इन डिसबिलीव, अविश्वास के साथ उसने मेरी तरफ देखा, व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया दैट सी हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में फेल हो गई, जब मैंने उसे बताया कि वह परीक्षा में फेल हो चुकी है, तो वह मेरी तरफ एक टक देखने लगी, सी स्टेयर्ड एट मी इन डिसबिलीव, अविश्वास में मेरे तरफ एक टक देखा, व्हेन आई टोल्ड हर दैट सी हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जब मैंने उसे बताया कि वह परीक्षा में फेल हो चुकी है। अगला है सोर, यस ओ ए आर, सोर उड़ना, दी प्राइस ऑफ दी गुड्स, दी प्राइस ऑफ दी गुड्स, सामान का मूल्य, दी प्राइस ऑफ दी गुड्स आर सोरिंग हाई, सामान की मूल्य तेजी से बढ़ रहा है, दी प्राइस ऑफ दी गुड्स आर सोरिंग हाई, सामग्री का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है। एक है सोर, यस ओ आर ई, सोर पीड़ादायक, सोर पीड़ादायक, हर थ्रोट वाज सोर, उसके गले में घाव था, पीड़ा था, एंड सी वाज स्नीजिंग एंड कफिंग, वह छींक रही थी, खांस रही थी, स्नीजिंग छींक रही थी, खांस रही थी, हर थ्रोट वाज सोर, उसके गले में पीड़ा थी, दर्द था, एंड सी वाज स्नीजिंग एंड कफिंग, वह छींक रही थी, खांस रही थी। और उसके बाद है सीन, या सी ई यानी सीन दृश्य, सीन दृश्य, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, यह बहुत सुंदर दृश्य था, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, या सी ई यानी, और दूसरा है यस डबल ई एन, यस डबल ई एन सीन, मतलब यह सी का थर्ड फॉर्म है, सी का थर्ड फॉर्म सीन, देखा गया, ही वाज सीन स्मोकिंग इन द क्लास, उसे कक्षा में धूम्रपान करते हुए देखा गया, ही वाज सीन स्मोकिंग इन द क्लास। अगला है सेंसुअल, सेंसुअल इंद्रिय विकास, इंद्रिय जनित, द लाइफ ऑफ ए सेंसुअल मैन, संवेदनशील व्यक्ति का जीवन, संवेदनशील, द लाइफ ऑफ ए सेंसुअल मैन इज अनहैप्पी इन द एंड, अंत में उसका जीवन दुखद होता, the life of a sensual man is unhappy in the end, कि sensual man का यानी इंद्रिय जनित व्यक्ति का, संवेदनशील व्यक्ति का जीवन अंत में दुखी होता है। और उसके बाद sensuous, सौंदर्य प्रेमी, sensuous, यस ई एन यस यू ओ यू यस, sensuous, सौंदर्य प्रेमी, किड्स वॉज sensuous poet, किड्स वॉज ए सेंसुअस पोएट, किड्स सौंदर्य प्रेमी कवि था, किड्स वाज ए सेंसुअस पोएट, किड्स सौंदर्य प्रेमी कवि था। और अगला है स्पेसियस, पर्याप्त जगह, एस पी ए
CIOUS, spacious, पर्याप्त जगह. दिस इज ए स्पेसियस बिल्डिंग. दिस इज ए स्पेसियस बिल्डिंग, यानी यह एक ऐसा भवन है जिसमें पर्याप्त जगह है. यह एक ऐसा भवन है जिसमें पर्याप्त जगह है. और दूसरा स्पेसियस है, एस पी ई सी आई ओ यू एस, उसमें एस पी ए था, इसमें एस पी ई सी आई ओ यू एस, स्पेसियस, स्पष्ट. यू कैन नॉट विन योर केस, यू कैन नॉट विन योर केस, तुम अपना मामला नहीं जीत सकते. बाय पुटिंग फॉरवर्ड स्पेसियस आर्गुमेंट्स, बाय पुटिंग फॉरवर्ड स्पेसियस आर्गुमेंट्स, कारण तुम अपना मुकदमा नहीं जीत सकते. अस्पष्ट तर्क के द्वारा, यानी सही तर्क के द्वारा तुम अपना मुकदमा नहीं जीत सकते. बाय पुटिंग फॉरवर्ड स्पेसियस आर्गुमेंट, यानी सही तर्क के आधार पर, सही तथ्यों के आधार पर मुकदमा नहीं जीत सकते. अगला साइट, एस आई टी, साइट, स्थान. साइट ऑफ कॉलेज बिल्डिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आकर्षक. साइट ऑफ कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज के भवन का दृश्य, स्थान, इज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक है. यानी कॉलेज के भवन का स्थान जो है, दृश्य जो है वो बहुत अच्छा है. एक है साइट, एस आई जी एस टी, यह दृश्य होता है. ही वाज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग, वह भवन के दृश्य से बहुत प्रभावित हुआ. ही वाज मच इम्प्रेस्ड बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग, वह भवन के दृश्य से बहुत प्रभावित हुआ. अगला नंबर है स्टील, एस टी ई ए एल, स्टील, चुराना, चोरी करना, स्टील, चुराना या चोरी करना. व्हाई डिड यू स्टील माय वॉच यस्टरडे, व्हाई डिड यू स्टील, तुमने क्यों चुराई माय वॉच, मेरी घड़ी, यस्टरडे, तुमने मेरी घड़ी कल क्यों चुराई. स्टील, एस टी डबल ई एल, स्टील, इस्पात, स्टील, इस्पात. This knife is made of steel. This knife is made of steel. यह चाकू स्टील का बना हुआ, इस्पात का बना हुआ. अगला नंबर स्ट्रेट, एस टी आर ए आई जी एस टी, स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट, सीधा. He went home straight without moving here and there. बिना इधर उधर भटके वो सीधे घर चला गया. He went home, वो घर चला गया. स्ट्रेट, सीधे घर गया. विदाउट मूविंग हियर एंड देयर, बिना इधर उधर घूमे. और एक स्टेट है एस टी आर ए आई टी, इस स्टेट का मतलब सकारा, पतला, तंग. दी बस हैज टू पास, बस को गुजरनी पड़ती है थ्रू ए स्ट्रेट वे, तंग रास्ते से, सकरे रास्ते से. दी बस हैज टू पास, बस को गुजरना पड़ता है थ्रू ए स्ट्रेट वे, तंग रास्ते से, सकरे रास्ते से. टीम, टीम दल, टीम दल. दी क्रिकेट टीम ऑफ आवर कॉलेज, दी क्रिकेट टीम ऑफ आवर कॉलेज विल प्ले ए फ्रेंडली मैच, दी क्रिकेट टीम ऑफ आवर कॉलेज विल प्ले ए फ्रेंडली मैच. हमारे विद्यालय की, कॉलेज की, हमारे कॉलेज की, विद्यालय की टीम मित्रवत मैच खेलेगी. दी क्रिकेट टीम ऑफ आवर कॉलेज विल प्ले ए फ्रेंडली मैच, विद्यालय की, हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम मित्रवत मैच खेलेगी. और एक है टीम, टी डबल ई एम, टीम, भरा होना. दी फॉरेस्ट टीम्स विथ लायंस, दी फॉरेस्ट टीम्स विथ लायंस, जंगल शेरों से भरा हुआ है. दी फॉरेस्ट टीम्स विथ लायंस. तो इस प्रकार आपने यश से शुरू होने वाले होमोफोन्स के विषय में अध्ययन प्राप्त किया है.